चकेरी थाना क्षेत्र के अहिरवा में 13 साल के मासूम की मौत के बाद परिजनों ने क्षेत्रीय लोगों के साथ चौकी के बाहर शव रखकर हंगामा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि मारपीट के मामले में पुलिस की एकतरफा कार्रवाई के कारण सदमे में आकर मासूम की मौत हो गई। हंगामे की सूचना पर एएसपी कैंट सत्यजीत गुप्ता सर्किल की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, फिर पीड़ित परिवार को मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया। अहिरवा गांव निवासी टेनरी कर्मी रजनलाल गौतम परिवार के साथ रहते हैं। परिवार में पत्नी पप्पी देवी, 3 बेटियां और बेटा आदित्य है। उनका छोटा बेटा 13 वर्षीय आदित्य कुमार इलाके के प्राइवेट स्कूल में कक्षा 5 का छात्र था। रजन ने बताया कि 24 सितंबर को भतीजे राजन का इलाके के एक परिवार से झगड़ा हो गया था, जिसमें भतीजे राजन, शिवा और लकी घायल हो गए थे। आरोप है कि पुलिस ने क्षेत्रीय नेता के दबाव में आकर उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की, बल्कि मामले में एकतरफा कार्रवाई करते हुए उन लोगों पर हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज कर दिए। मुकदमे में उनका नाम नहीं होने के बावजूद पुलिस ने उनके घर में दबिश दी और उन्हें जबरन चौकी ले गए। इस दौरान पुलिसिया कार्रवाई की दहशत के कारण बेटे की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद करीब 15 दिन पहले बेटे को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी किडनी फेल हो जाने की बात सामने आई। वेंटिलेटर पर रहने के बाद मंगलवार देर रात उसकी मृत्यु हो गई, जिस पर परिजनों ने चौकी में शव रखकर हंगामा किया। एएसपी कैंट सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि मासूम के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामले की निष्पक्ष जांच की जाएगी। मैं ये जो बच्चा था ये कौन है आपका? अरे मेरा बेटा है। क्या हादसा हुआ है? अरे मेरे मना के पकड़ लाए पुलिस वाले, सदमा खा गा लात मारे रे, पकड़ा पुलिस वाले का बाल हाथ मारे, सदमा खा के बाद मकारा गा मरती वही गा ना जवाब देती नैया। अरे बच्चा का कामरे पापा पकड़ लेंगे, कैसे कहाँ रहती है आप लोग? कहाँ रहते हैं? हम रहते हैं। किस बजे से पकड़ा था? हम रहते हैं। किस बजे से पकड़ा था? अरे नहीं यार, अरे वन मना इनके चुगली को सोल पकड़े, हम कहते हैं साथ छोड़ दे, वहाँ भी को सोल है। बच्चे बच्चों में लड़ाई थी और बच्चों ने लगाए, हमारे मरे नन्ने मिलने पकड़ लेंगे, सदमा खा ली लेंगे। ये बच्चा आपका लड़का था? अरे हमारा लड़का है, एक लड़का नहीं वो नहीं लगा। रोल रोल, क्या नाम है आपका? नरेश। नरेश, क्या मामला है आज आप यहाँ पर क्यों भीड़ लगाए? आप भीड़ लगाए सर, 24 तारीख की शाम को 8:30-9 बजे हमारा लड़का दूध पहले लेने गया था, भाई मेरा, तो उसको दूध लेने विलम्ब हुई, तो वहाँ पे घंटे की दुकान था, वो अंडा खाने लगा, वहाँ पे फोन आ गया उसका, तो वो फोन पे बात कर रहा था, तो वो फोन पे बात कर रहा था, वहाँ पे कुलदीप कुशवाहा आया, उसके एक थप्पड़ मारा, बोले भोले साले चमार भोपड़ी सिलो बात नहीं कर सकता है, किसी बात को लेकर वहाँ पे झगड़ा हुआ। झगड़े होने के बाद मारपीट किया, हमारे भाई को बहुत मारा, हमारे भाई ने किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए भागा, तो वहाँ से फोन कर दिया, तो हमारा लड़का और उनका भाई वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पे भी उनको भी लाठी डंडों से बहुत मारा। थाना चकेरी में 774/20 एक मुकदमा लिखा गया था, उस मुकदमे में धारा 147, 148, 149, 323, 307, 504, 506 में मुकदमा दर्ज किया गया था। उसी मुकदमे में जो मुलजिम पक्ष है उनके परिवार के एक सदस्य की मृत्यु हो गई है। आज इनके परिवार में ये रोष था कि मुकदमा इनके ऊपर लिखा गया, लेकिन इनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित पक्ष जो जिनकी अभी मृत्यु हुई है उनके द्वारा अभी एक तहरीर प्राप्त हुई है मुझे, उस तहरीर पर मैंने थाना चकेरी को आदेशित कर दिया है कि इसमें उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाए। किस तरह से मामला शांत हुआ है, क्या आश्वासन पुलिस की तरफ से मिला है, क्या किस तरह कार्रवाई? पुलिस के द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि जो भी मुकदमा पूर्व में लिखा गया है, जो भी मुकदमा अभी लिखा जाएगा, उसमें निष्पक्ष जांच होगी, उसमें कोई भी हीला हवाली नहीं की जाएगी, किसी भी तरह के से उसमें कोई भी ऐसा काम नहीं किया जाएगा जो कि विवेचना में नहीं किया जाना। सौ को पोस्टमार्टम के लिए भेजा? हाँ, सौ को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जो मृतक है क्या उसका इस पूरे मामले से कोई लेना देना? चूंकि अभी प्रथम दृष्टया कुछ उसका कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी जांच की जाएगी और जो भी उसमें कनेक्शन होगा उसको देखा जाएगा। देश विदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI News 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।